सेक्टर 5 स्थित भिलाई इस्पात मजदूर संघ कार्यालय में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस महापर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान हुआ। आयोजन में सैकड़ों की संख्या में बीएसपी के कर्मचारी और यूनियन के सदस्य शामिल रहे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का महापर्व सेक्टर 5 स्थित भिलाई इस्पात मजदूर संघ के कार्यालय में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ध्वजारोहण कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में भिलाई इस्पात संयंत्र कर्मचारियों के साथ बीएमएस के सदस्य एवं पदाधिकारी उपस्थित हुए। बीएमएस के कार्यकारी अध्यक्ष चन्ना केशवलु, महामंत्री रविशंकर सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों द्वारा भारत माता के तैल चित्र की पूजा अर्चना की गयी और आसमान में गुब्बारे छोड़कर खुशी का इजहार किया। कार्यकारी अध्यक्ष चन्ना केशवलु सहित अन्य पदाधिकारियों द्वारा स्थानीय एक बुजुर्ग महिला से ध्वजारोहण करवाया। ध्वजारोहण के पश्चात भारत माता की जयकारे लगाते हुए राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। बीएमएस के कार्यकारी अध्यक्ष एवं भिलाई इस्पात संयंत्र के ठेका प्रकोष्ठ के संयोजक चन्ना केशवलु ने अपनी प्रतिक्रिया दी। 74वें गणतंत्र दिवस की मेरी ओर से पूरे भिलाई वासियों को एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज भिलाई इस्पात मजदूर संघ द्वारा सेक्टर 5 कार्यालय में बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ सैकड़ों की संख्या में हमारे पदाधिकारी कार्यकर्तागण सदस्यगण मिलकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया। इसमें हजारों की संख्या में लोग आते जाते यहाँ पे इकट्ठा हुए और पूरे गणतंत्र दिवस की बधाई एक दूसरे को दिए और हर्षोल्लास के साथ बड़े धूमधाम के साथ हमने सब मिलकर इस बार गणतंत्र दिवस मनाया। बहरहाल इस अवसर पर बीएमएस के अध्यक्ष आईपी मिश्रा, हरिशंकर चतुर्वेदी, शारदा गुप्ता सहित स्थानीय रहवासी और बीएसपी के कर्मचारी उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।